अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। YouTube एक्चुअली में जो कमेंट सेक्शन है वो करप्ट हो चुका है, पर दिमाग में घुसाया गया है इस वजह से जो YouTube का करप्शन हुआ है, ये किसी और ने, एक आदमी ने करके रखा था, पूरे YouTube में करप्ट कर दिया था। YouTube को प्लीज प्लीज करप्शन से बचाएं, जनता पागल नहीं है, जनता को सब समझता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज, और ये वीडियो में मैं आप लोगों को पेड रिव्यूज़ के बारे में जो है वो समझाने वाला हूँ। जी हाँ, मुझे ये वीडियो एक्चुअली में बनाना नहीं था, लेकिन इसका मकसद ये है बनाने के लिए कि मतलब YouTube एक्चुअली में जो कमेंट सेक्शन है वो करप्ट हो चुका है। मतलब लोग के दिमाग में बस एक ही चीज़ भर गया है कि अगर यूट्यूबर कुछ भी करता है तो ये बिक गया है, यानी कि ये पेड रिव्यूअर है, इसको पैसे मिले, कितना पैसा ठूसा, कितना पैसा खाया, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। मैं दहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ फेलो यूट्यूबर्स है, जैसे कि शर्मा जी टेक्निकल है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो जो टाइप की वीडियोस बनाते हैं काफ़ी अच्छा बनाते हैं। आइगियन है, अगर आपको पता होगा, आइगियन भरत नागपाल, वो बहुत ही बेस्ट यूट्यूबर है, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और ऐसे कितने प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनके चैनल पे भी मैं जब जाता था, देखता था कमेंट में, तो लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप बिक चुके हैं, पेड है। ये कुछ जगहों पर लोगों के दिमाग में घुसाया गया है कि ये जब भी कोई यूट्यूबर्स कुछ अच्छे काम करते हैं, अच्छी वीडियोज़ बनाता है, तो वो बिक गया है, वो पेड है। अब आप लोगों को समझा देता हूं मैं इस वीडियो में कि पेड रिव्यू किसको बोलते हैं, एक्चुअली में पेड क्या होता है, और फिर आपके दिमाग में जो लोग सोचते हैं ऐसा, जो मैं जानता हूं मेरे अच्छे फॉलोवर्स वो कभी ऐसा नहीं सोचते, लेकिन जो दूसरे लोग सोचते हैं जिनके दिमाग में कि पेड रिव्यू एक्चुअली में क्या होता है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में सारी जो चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि पेड रिव्यू किसको बोलते हैं। तीन तरीके की चीज़ें होती है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूट्यूबर जो हम काम करते हैं वो किस तरीके से होता है और क्या होता है। सबसे पहले चीज़, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हमें कंपनी जिसको रिव्यू करने के लिए भेजती है, या हम कभी अप्रोच करते हैं, या जो भी है, वो प्रोडक्ट हमारे पास रिव्यू के लिए आता है, कंपनी हमें बोलती है पैसे लो, अच्छा बोलो। अगर हम पैसे लेके अच्छा बोलते हैं और हमें पता चल रहा है कि इसमें नेगेटिव है, मतलब 1 GB की रैम आपको 8,000 rupees में मिल रही है, 8 GB की स्टोरेज 1,000 rupees में मिल रही है, MT6737 का प्रोसेसर आपको 15,000 में मिल रहा है, MediaTek का MT6753 आपको 20,000 में मिल रहा है, और आप अच्छा बोलेंगे तो वो बायस्ड हो जाता है, पता चल जाता है, तो उससे पता चलता है ये पेड रिव्यू है। ये हम ऐसा काम कभी नहीं करते, लेकिन कंपनी हमें रिव्यू देती है और यूनिट देती है रिव्यू करने के लिए, हम उसको अपने हिसाब से रिव्यू देते हैं, भले ही वो कंपनी हमें पैसे देगी, लेकिन हम कंपनी को बोलते हैं हम एक अनबायस्ड रिव्यूअर से, हमारी मर्जी से हम देंगे। कंपनी के पास गट्स होता है, कंपनी बोलती है ठीक है आपको जो ठीक लगा बताइए, क्योंकि फोन अच्छा है तो अच्छा ही बोलेंगे, और जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी आपको वो भी बता देते हैं। इसको बोलते हैं पेड रिव्यू, यानी कि दो तरीके के पेड रिव्यूज हो जाते हैं, एक पैसा देते हैं बोलते हैं आप अच्छा बोलो, एक पैसा देते हैं बोलते हैं आपको जैसे ठीक लगता है आप बोलो। अब ये नहीं कि हम पैसे ले रहे हैं और जान पूछ के हम अच्छा बोल रहे हैं, जबकि हमें आंखों से दिमाग से समझ में आ रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, तो वैसे काम हम कभी नहीं करते। और यहाँ पे तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, जरूरी नहीं कि कंपनी से हमें रिव्यू यूनिट देती है रिव्यू करने के लिए, या फिर हम कंपनीज को अप्रोच करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम खुद पर्सनली परचेस करते हैं और आपको उसका जो रिव्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी अनरीचेबल होती है या कंपनी हमें अप्रोच नहीं करती और ये प्रोडक्ट फाइनल मार्केट में लॉन्च हुआ है और अच्छा है, काफ़ी व्यूज आ रहे हैं और बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है, जो भी एक ऐसे भी टाइप का प्रोडक्ट हो, हम खुद उसको परचेस करते हैं और आप लोगों को उसका एक रिव्यू देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या हो जाता है कि कभी उसका रिव्यू देने के बाद अगर हमें परचेस प्रोडक्ट पसंद आता है, बोलते हैं अच्छा प्रोडक्ट है, तो लोग बोलते हैं बिक गया है, आप उसको बुरा बोलेंगे तो बोलते हैं क्या बात है आपने बुरा बोला, मतलब क्या सुपर्ब है। हालांकि जो ऑनेस्टी है, जो रियलिटी है, वो यही है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हम भी परचेस करते हैं, कुछ चीज़ों को हम परचेस करके भी रिव्यू देते हैं, वो भी एक टाइप का रिव्यू होता है, तो उसको आप पेड, बिक गया वगैरह के अंदर भी तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो हमारा पर्सनल रिव्यू होता है, हम पर्सनली उसको परचेस करते हैं और पर्सनली उसका जो रिव्यू करते हैं। तो मुझे पहले, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खुद परचेस करके रिव्यू करता था, रिसेंटली मुझे कुछ कंपनी ने रिव्यू यूनिट दी थी, जहाँ पे ओप्पो व्यू को, तो आपको पता है कि मैंने क्या किया था, बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स आए थे तो मुझे ठीक लगा तो मैंने अपने हिसाब से बताया, और हमेशा से आपको यही बोला कि अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आपकी हमेशा से जो वो मर्जी होती है। अब यहाँ पे जो वीडियोस हम बनाते हैं, कोई कंपनी फिल्मोरा के एप्लीकेशन आता है या अडोबी के एप्लीकेशन आता है या जो भी वगैरह के एप्लीकेशन आता है, ये कंपनी हमें जो स्पॉन्सर्स करती है, पैसे देती है कि आप हमारे एप्लीकेशन के बारे में बताइए, अपने व्यूवर्स को अलर्ट करिए। क्या आप लोगों को कभी भी मेरे चैनल पर मैंने ऐसा बोला था कि यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा? वो तो एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो आप तक पहुँचाने का हमारा काम होता है, जो कंपनी हमारे पास अप्रोच करती है, हम आपको उस वीडियो को, उस टाइप की वीडियोस बना के दे देते हैं, ये इसके फीचर्स हैं, आपको परचेस करना है तो आपको लिंक दिया हो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, मैं हमेशा ऐसे ही कहता हूं, आप जाके सारे वीडियोस मेरे उठा के देख सकते हैं। अब उसके अंदर मैंने भी जब भी वीडियोस बनाया, मेरे बाद पहले बिली फॉर यू ने बनाया था, वो वंडरशेयर का, फिर प्रिंस, फिर मैंने बनाया, फिर प्रिंस चंद्र ने बनाया। अब मैंने बनाया तो कॉपी ऑफ बिली फॉर यू हो गया, बिक गया ये हो गया, बेचारे प्रिंस चंद्र ने बनाया तो कॉपी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, कॉपी ऑफ ये हो गया, कॉपी ऑफ वो हो गया।
इस वजह से जो YouTube का करप्शन हुआ है, ये किसी और ने, एक आदमी ने करके रखा था, पूरे YouTube में करप्ट कर दिया था उसने। जब से आए हैं YouTube पे पूरा करप्शन फैल चुका है। उसके पहले गीकी रंजीत, सीफोरी टेक एश, इंटेलेक्ट डाइजेस्ट, आई ज्ञान और गैजेट्स डायरी, कितने सारे प्रोफेशनल यूट्यूबर्स जो आज प्रोफेशनली काम करते हैं और आज तक किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाया और आज भी कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। मैं भी यहाँ तक उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे शर्मा जी टेक्निकल है, आई ज्ञान है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये शर्ट है, ठीक है, अब कंपनी मुझे पैसा देके बोलेंगी, बोलो कि ये मोबाइल है, अब मैं पैसा लेके बोल रहा हूँ देखो ये मोबाइल है, ये आपको परचेस करना है, तो उसको बोलते पेड रिव्यूज, बिग गैप, खुला खुला दिख रहा है शर्ट है, ऐसा होता है। आप कंपनी बोलेंगे आप पैसा लो, बोलो ये शर्ट है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स आप उसको बताइए, हम पैसा लेते हैं, ये शर्ट है, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, खत्म। इसको बोलते हैं एक अनबायस्ड रिव्यूज। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिक गए हैं, हमारा घर बार हमने लुटा दिया है या गिरवी रख दिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में जो लोगों के भर चुका है, मैं परेशान हो गया, जब भी मैं वीडियोज बनाता हूँ, बिक गया है, पेड है, स्पॉन्सर्ड है, कितना ठूसा कितना खाया, मैं नहीं, शर्मा जी टेक्निकल विचार, आई ज्ञान वगैरह सबके चैनल पे यही लोग जाके, जहां से करप्शन शुरू हुआ है वो करप्शन अपने दिमाग में घुसा के सबके चैनल पे जाके ये काम करते हैं। तो पेड रिव्यूज को ऐश ने बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आप सी4यू टेक के चैनल पे जाएंगे, ऐश के, उन्होंने इतना अच्छा समझाया था कि पेड रिव्यूज एक्चुअली किसको बोलते हैं, तो वहां पे जाके आप उनके चैनल को एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का हम काम करते, स्पॉन्सर आते तो हम आपको बता देते कि हाँ ये एप्लीकेशन आया, हमारे जरिए कंपनी आप तक पहुंचती नहीं तो कंपनी आप तक कैसे पहुंचेगी। अगर ये बोर्ड आया है फॉर एग्जांपल, इसको पब्लिसिटी करना, तो कंपनी बोलेगी हाँ आप इसको पब्लिसिटी करके दे दीजिए, हम आपको बोलते हैं ये ऐसी चीज है, आपको लेना तो लो, आपको नहीं लेना तो, मतलब मैंने हमेशा से ऐसे ही बोला, आप जाके देख सकते हैं। पैनासोनिक P55 पड़ा है, 5000 mAh की बैटरी है, सिर्फ बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, मैंने कभी नहीं बोला कि आपको उसके अंदर गेम खेलना है, बैटरी आपको, अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आप वाला स्मार्टफोन ले सकते हैं। अभी बार बार मैं Xiaomi के फोन्स नहीं बोल सकता क्योंकि Xiaomi के फोन्स मिलते कभी नहीं मिलते। अभी Infinix करके फोन आया, उसके अंदर भी काफी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, MT6753 का उसके अंदर प्रोसेसर चल रहा है, एक जमाने में कूलपैड नोट 3 में भी MT6753 का प्रोसेसर था, वो तो तभी चल रहा था, तभी तो कोई करप्ट नहीं आया था YouTube में, लेकिन जब से करप्शन आ गया तो स्नैपड्रैगन 430, MT6753, MT6737। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि YouTube में एक्चुअली में क्या चल रहा है। YouTube को प्लीज़ करप्शन से बचाएं। नॉर्मली जो हम काम कर रहे करने, तो जनता पागल नहीं है, जनता को सब समझता है, जनता को मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं वो अच्छा है बुरा है, जनता अपने हिसाब से एडजस्ट करती है, और जिसको जो परचेस करना है भले हम उसके बारे में गालियाँ दें बुरा बोले, लेकिन लोग परचेस करेंगे। वीवो ओप्पो आज हम कितना भी बुरा बोलते हैं, लेकिन अगर जिसको सेल्फी खींचना है वो लेगा ही लेगा, बात यह है। जिसको नहीं खींचना है, हमें पता है कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस उसके अलावा मिल जाते हैं, और आज तक मैंने कभी वीवो ओप्पो की पब्लिसिटी नहीं किया, पर्सनली मुझे वो फ़ोन पसंद नहीं आ रहे क्योंकि इतना महंगा हम ज़्यादा सिर्फ सेल्फी के लिए नहीं खरीद सकते, लेकिन कुछ फ़ोन जो 10,000 के नीचे मिलते हैं अच्छी चीज़ें दे रहे, तो बार बार बोलेंगे स्नैपड्रैगन 430, 435, स्नैपड्रैगन 625, तो ठीक है, खैर आपका ये थिंकिंग है, लेकिन आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेड रिव्यूज़ क्या होता है, किसको पेड रिव्यूज़ बोलते हैं, बिक गया, स्पॉन्सर्ड हुआ, ये हो गया, वो हो गया, तो मैंने मुझे जो मेरी तरफ से क्लियर करना था कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि बार बार आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करके बोलेंगे कि बिक गया नहीं, ऐसा नहीं वैसा, ये यूट्यूबर्स होते हैं, ये हमारा बिजनेस होता है, और जो फ्रैंक है फेयर बातें मैंने आप लोगों के सामने आज क्लियर कर दिया हो। अब मुझे इसके बाद से कोई वीडियोस नहीं बनाना है, कोई कितना भी करप्ट करे यूट्यूब को, मुझे किस पे भी ध्यान नहीं देना है, मेरी तरफ से जो मुझे क्लियरिटी देना था वो मैंने दे दिया। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, माफ़ी चाहता, थोड़ा सा मैं गुस्सा हो गया था इस वीडियो में क्योंकि कुछ हरकत ऐसी लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके भी फैला रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।